अब ये वाली वीडियो ना यार भाई सच में धमाकेदार है। पट्टेदार वाली मेरी पतंग ऊपर से नीचे से अपोनेंट है। पहले पेस देखो, ये गया मैं, बस वो मेरे सामने से उड़ा था, मैंने चक्कर दिए, एक बार पतंग काट दी मैंने। अब आप देखते जाओ, यही पतंग सामने से दूसरा बंदा पकड़ेगा अभी आगे वाली छत से, और देखो मैं उसकी पतंग दोबारा काटूंगा। देखो अब किसी और ने पकड़ी आगे वाली छत से, अब मैंने जल्दी से अपनी पतंग पार करी, और ये देखो थोड़ी सी पार करके हम दोबारा उससे लड़ाने गए, और ये खींची हमने बाहर की, वो काटी भाई एक ही बार हमने दो दो पतंगें काट दी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल गार्डनर ऑफिशियल। मैंने कल ही आपको बता देता कि अगर आपको पतंगें काटी ना खींच के, तो ये वाला मांझा आपको लेना है। तो आज हम इसी मांझे की टेस्टिंग करेंगे, उससे पहले आप पतंगें देख लो। तो ये सारी पतंगें तंगे मैं लेकर आया हूँ, जो मैं अभी वीडियो में उड़ा के दिखाऊंगा। तो ये रही हमारी सारी पतंगें। तो सबसे पहले हम कौन सी पतंग उड़ाते हैं, ये वाली पतंग देखो मैंने तैयार करके रखी है, पट्टेदार वाली। तो इसी पतंग को उड़ाएंगे, और मांझा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कल मैंने इसका रिव्यू दे दिया है चैनल पे जाके, जिसने नहीं देखा वाली वीडियो देख लो, दादा पोता। अब देखो ये रहा हमारा मांझा दादा पोता, और इस मांझे से मैंने मैदान में पतंग लड़ा के देख लिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया इस मांझे ने, छतों से आपके सामने आज लड़ा के देखेंगे दादा पोता। और ये भाई आवाज़ हमें समय प्यारी लगती है वाली। तो चलो भाई, ब्लैक कलर का मांझा है और चढ़ी भी डोर है, खींच के लड़ाने में काफ़ी मज़ा आएगा, देखते हैं फिर कैसा रिजल्ट देती है। अब करते हैं पतंग को पार, और बरेली में हवा काफ़ी अच्छी निकल के आ गई है, करीब एक हफ्ते से बहुत अच्छी हवा चल रही है। अगर आप कहीं बाहर से हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपकी तरफ हवा का क्या सीन है, आपकी तरफ हवाएं चल रही हैं या फिर हवा इस समय नहीं है। फिलहाल बरेली के जितने लोग हैं भाई, रोज़ ही पतंगबाजी हो रही इधर, इतनी बढ़िया हवा निकलती है 2 बजे के बाद से ही मज़ा आ जाता है, और कभी कभी तो सुबह से हवाएं। मांझा आप देख रहे हो कैसे जा रहा है, एकदम छल्ले बन के। तो कोई भी मांझा आप बाई करते हो किसी भी शॉप से, तो अगर मांझा एकदम ऐसे छल्ले बन के जाता ना, तो मतलब समझ जाना मांझा अच्छा है, मांझे में काम हुआ है। हालांकि हमारी पतंग हो के चुकी है पार, तो वेट कर, तो हमारी पतंग हो चुकी है पार, और थोड़ा सा वेट करते हैं, कोई ना कोई आगे से पार कर लेगा या फिर हमारे पीछे से पतंग बढ़ के आ जाएगी, लड़ा के दिखाते हैं आपको। अब देखो थोड़ी सी देर हमने वेट करा, सामने से एक पतंग पार हो गई है। तो पट्टेदार वाली मेरी पतंग नहीं, मैं ऊपर चढ़ा रहा हूँ, नीचे से हमारा अपोनेंट है, उसकी पतंग देखो भाई क्या कर रहा है बंदा, बहुत तेज पतंग चला रहा था। अब नहीं बंदा एकदम मेरे सामने वाले घर से उड़ा रहा है, तो इसकी डोर एकदम मेरे सर के ऊपर चल रही होगी, मतलब मेरी डोर उसके सर के ऊपर चल रही होगी। ये गया, मैंने एक बाहर की खींची पतंग, रोक की, चक्कर दी वो कटा। अब देखो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कोई बंदा आपके सामने से उड़ा रहा है तो बस पेज फंसा लेना, पतंग आप काट दोगे। अब यहाँ पे क्या सीन हुआ था ना, ये पतंग आगे से किसी और ने पकड़ ली, सेम पतंग किसी और घर से किसी और ने पकड़ ली। अब मैं इसकी पतंग भी काट के दिखाता हूँ आपको, और ये गया खींच मार के। अब देखो इसी मांझे से मैंने फंसा के भी काट दी, खींच मार के भी काट दी, तो मांझा पहले ही पेज में दोनों में पास हो गया है, फंसा के भी खींच मार के भी। भाई किस्मत अच्छी है अपनी, तो लाइक करो ना यार। अब थोड़ा सा मैंने वेट करा, पीछे से देखो एक और पतंग पार होके आ गई, तो अभी हम इससे भी पेज लड़ाते हैं। और मांझा आपके सामने, अगर आपको भी ऐसी पतंगें काटनी है तो आप मांझा ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही वाला मांझा लो, लेकिन ऐसा मांझा लो जो सेम ऐसे ही हो, मतलब थोड़ा कड़ाक होना चाहिए मांझा, और धार वार अच्छी होनी चाहिए उसमें। चलो भाई अपोनेंट आ गया हमसे लड़ाने, दिखाते हैं इससे भी लड़ा के। तो यहाँ पे हमारा एक और पेज आ गया, थोड़ा सा लंबा लड़ाई वाला पेज। तो रेड साइड के अंदर मेरी पतंग नीचे से, ऊपर से अपोनेंट है ब्लू साइड के अंदर, ये बंदा लेफ्ट हैंड साइड से। पतंग खड़ी करी भाई, ताकत का ही पेज लड़ाऊंगा, ताकत से खींची, काटा भाई एक और पेज काटा, खींच के आगे तो हमारा कोई टिकता ही कब है, एक और पतंग काट दिया। तो इस वाले मांझे से हमने पूरी 3 पतंगें कर ली है भाई, वीडियो एंड तक देखो, देखो कितनी पतंग काटेंगे, पूरी तबाही मचा देंगे अभी आगे। तो भाई एक और पेज यहाँ पे लड़ता हुआ, हमारी पतंग आपको सामने दिख जाएगी रेड सर्कल के अंदर, और जो हमारा अपोनेंट है, कहाँ गई उसकी पतंग, आ जा भाई नीचे। वो देखो आ गया हमारे अपोनेंट की पतंग ब्लू सर्कल के अंदर, और ये बंदा एकदम मेरे सर के पीछे से उड़ा रहा है, तो ये वाला पेज देखते हैं कैसे उड़ाएंगे हम।
अब इस बंदे को भी पता है, मुझे भी पता है कि हम दोनों की डोर एकदम एक दूसरे के सर के ऊपर चल रही होगी, तो बहुत लेट डोर मिलेगी। इसने रखा, भाई मेरी पतंग कहाँ गई? आपको लगा होगा मेरी पतंग कट गई, नहीं मैंने पतंग बचा ली थी, यहाँ पे डोर मिल नहीं पाई थी। तो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, पेस दिखाते हैं। तो उस समय डोर नहीं मिल पाई, दोबारा से पेज हमारा लड़ रहा है, सामने मेरी पतंग नहीं, हमारा अपोनेंट ऊपर से ही। अब देखो हम इसके दिमाग के साथ खेल जाएंगे इस वाले फेज में, ये खुद सोचेगा इसके साथ क्या हुआ है। अभी देखो मैंने पतंग चलाई, पतंग चलाई, ये बंदा उतरा हाथ की तरफ, मैं पतंग रोके हूँ। अब इसने पतंग उठाई तो इसका झोल ऊपर उठा, बस हमने वही बाहर खींच के काट दिया। भाई कैसा लगा पेज, लाइक करो ना यार, इतने बड़े बड़े पेज आप लोग को दिखा रहा हूँ, मज़ा आया ना पेज देख के? आया ना आया? तो चलो हम एक बार फिर से आपको उस लोगों से दिखाते हैं वाला पेज। अब इसे कहते हैं अपने अपोनेंट के दिमाग के साथ खेलना। अब उसे लगा कि जब वो गद्दा मारेगा पतंग बाहर की खेल दूंगा, लेकिन मैंने पतंग रोके रखी, मुझे पता था वो पतंग उठाएगा। जैसे उसने पतंग उठाई ना, उसका झोल नीचे लटक रहा था, बस हमने क्या करना था, उसका झोल बाहर को खींचना था ताकत से। हमने वही सेम पेज लड़ाया और भाई रिजल्ट आपके सामने, लड़ाओ भाई ऐसे ही पेज लड़ाओ, सबकी पतंग काट दोगे आप। एक चीज़ यहाँ पे अच्छी बात है कि पतंग आप काटते जाओ तो कोई ना कोई पीछे से पतंग पार करता रहेगा। अब एक पतंग ने अभी अभी काटी है, पेज कैसा लगा कमेंट करके बताना। अब एक और पतंग यहाँ पे पार हो गई, ये बंदा अपनी पतंग पार कर रहा है और मेरी पतंग देखो वो रही, देख रहे हो आप, ये मेरी पतंग नहीं, पीछे से पतंग पार होके आ रही है, उसकी भी काटते। अब यहाँ पे एक और पेज आ गया, रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग नीचे से, ऊपर से हमारा अपोनेंट है ब्लू सर्कल के अंदर, ये बंदा राइट हैंड साइड से आ रहा है, निकला बाहर का। अरे यार सेट, गलती क्या हुई, गलती आप बताओ। दो गलतियाँ हुई हैं इस वाले पेज में, एक तो अपोनेंट की पतंग राउंड थी पूरी, और दूसरी चीज़ ये थी मैंने पतंग बहुत ज़्यादा चमका के दे दी थी हवा में। अब इतनी ज़्यादा हवा में पतंग दी ना मैंने, तो मतलब मेरा झोली कट गया यहाँ पे। इन लोग को समझ में नहीं आया, दोबारा से दिखाता हूँ मैं। ये देखो अपोनेंट बाहर की खींच रहा है, अब उसकी पतंग एकदम बाहर की उठी ऊपर को, और मेरी पतंग इतनी लंबी थी कि झोल कट गया। तो भाई मांझे का रिजल्ट आपके सामने रहा, मांझा टेस्टिंग की वीडियो कैसी लगी? मांझे ने बहुत पेच काटे यार, इस पतंग से हमने 5-6 पतंगें काट दी थी, अच्छा लड़ा याला मांझा। तो भाई ये वाली वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।